आपको याद होगा कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लाइन एंड लेंथ पे। मैंने उसमें बताया था कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप अपना लाइन एंड लेंथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपके लिए मैं एक एडवांस ड्रिल लेके आऊंगा जिससे आप अपना बोलिंग इंप्रूव कर पाएंगे, आप स्पेसिफिकली अपने बोलिंग का लाइन इंप्रूव कर पाएंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आपको एक पर्टिकुलर जोन में कैसे बॉल को डिलीवर करना है। मैंने उसमें एक ड्रिल बताया था जिसमें एक पर्टिकुलर जोन में आप बॉल डिलीवर कर सकते थे, उसका प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर लाइन में आप बॉल को कैसे रख सकते हैं, इसके लिए आप क्या ड्रिल कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हे गाइस, दिस इज अंकित नारायण, क्रिकेट एंड फिटनेस ट्रेनर। वेलकम बैक टू आवर चैनल सफल फ्यूचर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नो इट इज सेड दैट यू नो बोलर्स डोंट टेक विकेट्स, इट इज द बैट्समैन हु गिव द विकेट। अगर बैट्समैन जो है थोड़ा केयरफुली खेलेगा ना तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बोलर्स टू गेट हिम आउट। तो अगर आप उसको डिसीव करना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर लाइन पे बॉल डिलीवर करते रहना पड़ता है ताकि वो भी इंपेशेंट होकर बॉल को इधर उधर मारने लगे एंड देन यू नो इवेंचुअली यू गेट अ विकेट। एज अ बोलर आर टारगेट इज टू डिसीव द बैट्समैन टू गेट हिम आउट एंड बोलिंग ऑन वन पर्टिकुलर लाइन रियली हेल्प्स टू डिसीव द बैट्समैन। तो आज हम लोग बात करने वाले लाइन एंड लेंथ के बारे में। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल बोलिंग ऑन अ पर्टिकुलर लाइन, बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग कि एक पर्टिकुलर लाइन पे बॉल नहीं डाल पाते। फॉर इंस्टेंस कि आपका सारे फील्डर्स ऑफसाइड में लगा दिया जाता है और यू नो गिने चुने प्लेयर्स लेग साइड में रहते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप सारा बॉल डिलीवर करेंगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप ताकि बैट्समैन मजबूर हो जाए ऑफसाइड में मारने के लिए एंड इन दैट प्रोसेस यू गेट अ गुड चांस टू गेट हिम आउट। तो बेसिकली आपका कैप्टन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक पर्टिकुलर लाइन पे बॉल डालते रहें ताकि आपको विकेट मिलने का चांस बहुत ज्यादा रहे। अगर आप रैंडमली बॉल डिलीवर करते रहते हैं, जैसे कि अगर कोई बॉल आपका ऑफ स्टंप पे गिर रहा है, कोई बॉल लेग स्टंप पे गिर रहा है, कोई बॉल मिडिल स्टिक पे गिर रहा है, कोई वे आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गिर रहा है, कोई वे आउट ऑफ द लेग स्टंप गिर रहा है, तो यू नो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फील्डिंग टीम के लिए कि कहां पे फील्ड अरेंज किया जाए। तो अगर आप एज अ बॉलर एक पर्टिकुलर लाइन पे बॉल डिलीवर करना सीख जाए तो आप अपने टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वील चूज अ पर्टिकुलर लाइन जिसमें हमको बॉल डिलीवर करना है और जो हमारा लाइन वीक है जनरली होता है ऑफ स्टंप या आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो इस पर्टिकुलर चीज को ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने पिच पे एक ग्रासी पैच बना दिया है। तो ये ग्रासी पैच जो है वो दूर से ही विजिबल रहता है बॉलर्स को ताकि वो एक वो पर्टिकुलर लाइन पे वो बॉल डिलीवर कर पाए। तो अगर आप ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइन में तो आप अपने एकेडमी में ये चीज कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लेस अ यू नो अ काइंड ऑफ शीट, कुछ ऐसा शीट डाल देंगे या फिर कुछ मैट डाल देंगे या फिर एनी काइंड ऑफ क्लोथ नो जो कि दूर से ही विजिबल हो वो आप डाल सकते हैं। बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी पीस ऑफ क्लोथ या फिर पीस ऑफ मैट रख रहे हैं या फिर कुछ भी अगर आप रख रहे हैं जस्ट मेक श्योर कि इट इज नॉट ब्रॉड, जितना नैरो रहेगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए एक पर्टिकुलर लाइन पे, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा चीज ढूंढे जो एक पर्टिकुलर लाइन पे बिछाया जा सके, बिकॉज आर मेन पर्पस इज टू बॉल ऑन वन पर्टिकुलर लाइन। हम लोग को एक जोन में नहीं डालना है, हम लोग को कोशिश करना है कि एक पर्टिकुलर लाइन में बॉल डाला जाए। अगर वो लाइन थोड़ा ब्रॉड हो तो चलेगा, बट जस्ट मेक श्योर कि इट इज नॉट वे टू ब्रॉड कि बहुत ईजी लगने लगे। तो एज अ बोलर आप लोग को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता होगा यू नो लाइन को सुधारने के लिए, एंड स्पेसिफिकली मैं नेट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि नेट्स में बैट्समैन बैटिंग करते रहता है और उस समय आप बॉल बैट्समैन को डिसीव करने के लिए बॉल डालते रहते हैं। तो यू नो यू टेंड टू वेरी योर लाइन, यू टेंड टू वेरी योर लेंथ, इसलिए आपको मौका नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने खाली समय में यू कैन फाइंड अ नेट, यू कैन फाइंड अ स्टंप और वहां पे आप ऐसा पैच लगा सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर ड्रिल वी आर नॉट कंसर्न विद द लेंथ ऑफ द बॉल, हम लोग को लेंथ के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर लाइन एज ऑफ नाउ। हम लोग अगर दोनों एक साथ सोचने लगेंगे लाइन एंड लेंथ के बारे में तो इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर अस। व्हेन यू स्टार्ट इंप्रूविंग इट देन यू कैन यू नो इंप्रोवाइज एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स। एक और चीज जो मैंने यहां पे आपको लाइन बताया है, दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ये पर्टिकुलर लाइन मैंने यहां पे डिसाइड किया है। आप अपने हिसाब से आप अपना लाइन चूज कर सकते हैं कि विच इज वन लाइन दैट यू आर वेरी अनकंफर्टेबल बोलिंग। तो इस ड्रिल को आप डेली कर सकते हैं। इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यू नो यू विल बॉल 30 बॉल्स एवरी डे और आप खुद से कंपीट करेंगे जिसमें 30 बॉल में आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बॉल जो है आपका उस पर्टिकुलर लाइन पे बॉल डिलीवर होता है। अगर आपका बॉल वहां पे एक बार गिरता है तो यू गेट वन विकेट। तो 30 बॉल में आप जितना ज्यादा विकेट ले सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट दिन आप कोशिश कर सकते हैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का। तो सपोज आपने आज 30 बॉल में आपने 10 बार हिट किया तो नेक्स्ट दिन आप कोशिश करेंगे कि 11 बार हिट करें, यू नो उसके बाद आप 12 बार हिट करें एंड दैट वे यू कैन गो ऑन विथ योर प्रैक्टिस। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये कर सकते हैं, यू नो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 12 12 बॉल, तो जिसमें आपको कोशिश करना है हर
बॉल कि आपका उस पर्टिकुलर पैच पे गिरे, और फिर वही सेम रूल कि जिसका बॉल जो है पैच पे गिरेगा उसको एक विकेट, और 12 बॉल के बाद जिसका सबसे ज्यादा विकेट हुआ इज द विनर। तो यू कैन यू नो लर्न इन फन वे, यू कैन मेक सम कॉम्पिटिशन आउट ऑफ इट, क्योंकि यू नो वी टेंड टू लर्न फास्टर। जब आपके साथ कॉम्पिटिशन कोई करता है तो यू टेंड टू लर्न वेरी फास्ट। So just try to create some game out of it and you can practice it. एक और important बात है कि आपका focus जो है stump को hit करना नहीं रहेगा, आपका focus वो particular line पे ball deliver करना रहेगा। तो अगर आपका ball जो है stump hit करता है तो there is no bonus for it because your objective is to hit that particular patch. आपका objective जो है वो stump पे hit करना बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। मैंने एक और similar videos पे बनाया था जिसमें मैंने line और length दोनों के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो video नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो video देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इस टाइम पे तो क्वेश्चन आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पेस बॉलर हैं या स्पिनर, और अगर आप स्पिनर हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप स्पिनर्स के लाइन लेंथ पे वीडियो देखना पसंद करेंगे कि नहीं। ऑल्सो आई लव टॉकिंग टू यू इन द कमेंट बॉक्स, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करता हूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दे बिकॉज लाइक इज द ओनली थिंग दैट आई लाइक, यू नो दैट राइट? तो जस्ट लाइक इट, प्रेस दैट ग्रे बटन, येलो कर दो यार, येलो नहीं ब्लू होता यार। अच्छा इसको ब्लू कर दो यार। Also share it with your friends. I'll see you next week. Till then, keep smiling and practice hard because I believe that you, my dear friend, are a future legendary bowler.